सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, जिन्होंने इसमें बहुत दिलचस्पी ली और जो मदीना की रियासत का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया उस पर आज उनकी हुकूमत ने अमल किया है, और साथ साथ सब्र का मुजाहरा किया हमारे मुलाज़मीन ने, सरकारी मुलाज़मीन ने सब्र इस्तेक़ामत का, उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। जो हमारी यूथ के लिए उनका भी एक मैसेज है कि आप एक जायज़ मकसद के लिए कोशिश करें, पुरअमन रहें। कल एक दिन ऐसा रहा पूरी इस तहरीक में मेरे ख्याल में जिसमें कुछ अच्छे मनाजर देखने को नहीं मिले, अदरवाइज़ आपकी तहरीक मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको, आपकी पुरअमन तहरीक रही। और ये मैसेज है सब लोगों को कि पुरअमन तहरीक चलाएं, जो इमरान खान साहब का भी मैसेज था कि आपका राइट है अपने इशूज़ के लिए। और पहली बार हुआ है माजी में लोगों ने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, लेकिन बुनियादी तब्दीलियाँ इमरान खान लेके आ रहे हैं कि अपग्रेडेशन हो रही है आपकी और डिस्पैरिटी खत्म हो रही है कि एक आदमी फर्ज करें 20,000 ले रहा है, दूसरा 80,000 ले रहा है, क्यों इतना फर्क है? ये फर्क मिटाने इमरान खान आया है, तफरीक मिटाने आया है, दो नहीं एक पाकिस्तान की बात इमरान खान करते थे। और साथ मैं अप्रिशिएट करता हूँ शेख रशीद साहब और खटक साहब, मुझे पता है शेख साहब पूरी रात नहीं सोए, कल रात खटक साहब भी नहीं सोए क्योंकि आपके फिक्र में थे। मैं दोबारा मुबारकबाद देना चाहता हूं तमाम मुलाजमीन को भी, और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर से ले जाए, और ये जो फैसले आज हमने किए हैं अल्लाह उसमें पायदारी इस्तेकामत लेके आए। और साथ साथ जो हमारी इंतज़ामिया है उन्होंने इसको तकरीबन एक साल से वो डील कर रहे हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाती है, लेकिन उन्होंने, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ अपने डिप्टी कमिश्नर को, अपने इंटीरियर मिनिस्ट्री के स्टाफ को, सबको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, खासकर अपनी पुलिस को। आप लोगों ने बड़ी कोशिश की, कल का जो वाक़या है कोशिश करेंगे कि इस तरह का कभी फिर ना हो।